नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल द टाइम्स तो मैं हाँ कोमल और राजस्थान पहुंचे हाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम दे विच, जिथे दो दिन तो स्पार्क मेला लगाया गया है। इस मेले विच होरसां वास्ते खास नॉलेज दिती जांदी है, ते आओ असीं वी अज पहुंचे हां, देखदे हां किहड़ी किहड़ी नॉलेज खास स्पेशल बच्चियां नूं दिती जा रही है। तो मेले दे विच बहुत सारे पतवंते सज्जन भी पहुंचे ने, सो उहनां दे नाल भी करांगे गल्लबात कि उहनां दा की कहना है, ते आओ फिर देखदे हां खास स्पार्क मेला। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ पांडे है, मैं इंडियन आर्मी में अभी जलंधर में पिछले एक महीने से डिप्लॉयड हूँ। मैंने शहर अभी नया नया ज्वाइन किया है और इतने सारे बच्चे एक जगह पे मैंने काफ़ी दिनों बाद देखे हैं, बहुत दिनों बाद। तो पहले तो आप एक ज़ोरदार ताली बजाइए, और ज़ोरदार ताली मुझे चाहिए इससे पहले वाले परफॉर्मेंस करते हुए ग्रुप के लिए भी। विंटर हो चाहे समर हो, हम सुबह उठते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए। ये फिजिकल फिटनेस हाफ एन आवर 40 मिनट के आसपास, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के आसपास की रनिंग, ताकि बॉडी कंडीशन रहे, आप फिट रहें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसके बाद आप जिस भी एरिया में डिप्लॉयड हैं या जिस जो भी ड्यूटी आपको असाइन की गई है, आप उस ड्यूटी को तकरीबन 8:30 के आसपास से शुरू करते हैं। ये दिनचर्या अगर आप यूनिट में हैं तो यूनिट में आपको ट्रेनिंग के तौर पर हो सकता है वेपन ट्रेनिंग फायरिंग के लिए भेजा जाए, हो सकता है मैप रीडिंग के लिए भेजा जाए, हो सकता है पहाड़ों में नेविगेशन करने के लिए भेजा जाए। दोपहर के लंच ब्रेक के बाद से ही आपकी रूटीन में काफी परिवर्तन आते हैं जो बहुत जल्दी होते हैं। दोपहर के लंच के बाद थोड़ी सी ब्रेक के बाद शाम को होता है गेम फॉलन। ये गेम फॉलन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड आई एम श्योर यहाँ मौजूद सभी स्कूल बच्चे मेरे साथ अग्री करेंगे कि स्कूल से ही उनका फेवरेट पीरियड गेम्स पीरियड होता था। सर थोड़ा क्लोज है। सर इधर देखिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं मंच से सदा दे रहा बहुत ही सत्कारयोग मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनहर अरोड़ा जी। मनहर अरोड़ा जी 2014 तो ही करियर काउंसलिंग स्पार्क के नाल जिहड़े आ जुड़े हुए आ, और हर प्रकार की जी सानू सपोर्ट है इन्हां वालों मिलती आ। बहुत ही सत्कारयोग जिले के डिप्टी कमिश्नर श्री जसपीर जी IAS SDM 1, बहुत मानयोग श्री जयेंद्र सिंह जी SDM 2, बहुत मान योग बलवीर राज जी सेक्रेटरी रेड क्रॉस इंद्रप्रीत जी DO साहब, और मेरे बहुत ही प्यारे बहुत ही अजीज श्री सुरजीत लाल जी जड़े के करियर गाइडेंस काउंसलर ने। मैं आज सारे नू ही जड़े भी पतवंते सज्जन इतने बैठे ने, उन्होंने इस बहुत स्पार्क 7 मेले के आयोजन वास्ते सफल आयोजन वास्ते मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना, और एडा सफल आयोजन किया है, और जड़े भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं एक बारी सारे आयोजन वास्ते सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते SDM 1 SDM 2 डेप्यूटी कमिश्नर कमिश्नर साहब सारे वास्ते सुरजीत लाल जी वास्ते जोरदार तालियां हैं। जड़ा भी मेरी आवाज़ सुन रहा है पंकज जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस थिंग। बेटे मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विच काम कर रहा, और मैं पिछले 25 सालों तो करियर काउंसलिंग के उत्ते भी काम कर रहा हूँ। हर साल तकरीबन मैं हज़ारा ही बच्चों के नाल गलबात करके उन्होंने करियर काउंसलिंग के बारे दसदा हाँ। तो सब तो पहले तो थोड़े अंदर इच्छा है कि तुम इतने बैठे हो, और एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए है कि मैं करियर बारे सुनना चाहता वा और करियर बनाना चाहता वा। जे थोड़े अंदर दृढ़ इच्छा है ताइए तुम अगे बढ़ सकते हो, जे किसे काम करने की कोई इच्छा नहीं है तो बेटे असं वो काम नहीं कर सकते। सब तो पहला इच्छा शक्ति जरूर रखनी है कि मैं कुछ बनना चाहना। कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बन के दिखाओगे। डिप्टी DEO और जीव जोशी जी सम्मानित कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर मनहर अरोड़ा जी सेंट सोल्जर ग्रुप। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सो
छोटे बच्चों का जिहड़ा प्रोग्राम लगभग 8:30-8 बजे तक चलता रहा और सारे ने ही काफ़ी बहुत आनंद माणिया। ये जिहड़ा मेन मकसद सीगा इस स्पार्क मेले का कि एक तो जिहड़े बच्चे ने उन्होंने अपने स्कूल तो स्टडी तो इलावा जिहड़ा हैगा एनवायरमेंट दे विच अपनी सोसाइटी की चल रहा है कि उन्होंने लिए करियर ओपरचुनिटीज ने उहदे बारे पता चले प्लस होर जिहड़े भी उन्होंने कोल ऑप्शनस ने जिवें आइलैट्स करके बाहर जाना और होर एवीन्यूज आर्मी एयरफोर्स CRPF BSF बारे वो सारे बारे जी जानकारी दी गई। स्पार्क दे 7वें एडिशन दे विच शामिल होए सारे स्कूली विद्यार्थियों नू मैं निघा स्वागत कहना। काफ़ी दिनों तो असी यह मेला प्लान कर रहे सीगे ते खास तौर दे उत्ते बच्चों लई जिहड़े कि अपने करियर दे विच अगे की करना चाहते ने की उन्हां कोल एवन्यूज़ हैगे आ उहदे रिगार्डिंग सी। पहला तो मैं समुची टीम नू EDC साहब नू SDM साहब नू वख-वख कॉलेजां स्कूलां तो आए नुमाइंदियां नू ते प्लस बच्चियां नू भी मुबारकबाद दिंदा कि बड़ा सक्सैसफुल यह मेला रहा। मैं देख रहा सी कि टोटल फुटफॉल आई थिंक 10,000 के करीब बच्चे जिहड़े ने इत्थे आए वख-वख तरह दियां जिहड़े किते अगे किते जा सकते ने उन्हां वल्लों अडोप्ट किते जा सकते ने उन्हां बारे उन्हां नूं जानकारी दित्ती गई। सो एक जलंधर दा एक ट्रेडिशन रहा है, ट्रेडिशन असीं फॉलो करांगे अगे आने वाले सालों दे विच वी, इह इस तों वी वधिया असीं करवावांगे। सो मैं समुची टीम नूं दुबारा वधाई दिंदा ते बच्चियां तों आस रखदा कि इत्थों कुछ ओह चंगा सिख के जाणगे ते अपने करियर दे विच उच्चियां जिहड़ियां पुलांघां ने ओह अचीव करनगे। धन्नवाद। थोड़ा बुक्का थल्ले करो। हांजी यस। बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतों ने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया। कई ट्रैवल्स दुआबा डेवलपर्स भंगड़ा परिंदे अकेडमी मेले का 7वां एडिशन जिहड़ा है वह जलंधर दे विच 23-24 नवंबर ऑर्गनाइज़ किया गया। वख वख स्कूलों के कॉलेजों के बच्चों ने इतने शमूलियत की। मेन जिहड़ा साडा मोटिव सीगा वह यह सीगा कि स्कूली बच्चों नू ते बाकी कॉलेज के बच्चों नू किताबी दुनियादारी तो कढ के बाकी की उन्हां कोल जिहड़े करियर के एवन्यूज़ है वो बारे दसना, जिदा कि स्किल डिवेलपमेंट के उत्ते फोकस करना या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जिन्ने किते ने उन्होंने अपनाने बारे। तो बहुत ही सक्सैसफुल यह रहा, तकरीबन 10,000 बच्चे ने शमूलीयत की है। तो असं इस वादे नाल यह मेला खत्म कर रहे हैं कि अगले साल इस तो भी वधिया तरीके असं यह मेला करवावांगे। धन्यवाद। सेंट सोल्ज टाइम्स तो मैं हाँ कोमल कैमरामैन विनोद के नाल। सो खास बच्चों के फ्यूचर को लेकर अज का स्पार्क मेला बहुत ही सक्सैसफुल रहा, बहुत ही वधिया रहा और बच्चों ने बहुत ही नॉलेज कलैक्ट की और अपने अपने घरों गए और खुशी के नाल उन्होंने इजहार किया कि असं अपने आप आने वाले फ्यूचर को बहुत वधिया और बहुत ब्राइट बनावांगे। बने रहो सेंट सोल्ज टाइम्स के नाल। मैं हाँ कोमल कैमरामैन विनोद के नाल।